आज पता चला मुझे कि कार नहीं हो इंसान के पास नवी मुंबई में, तो इंसान की हालत कितनी बुरी होती है गाइस। मेरे चेहरे पे आप लोग देख सकते हो कितनी थकान है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जब बड़ी छोटी सी दुनिया में। गाइस आई नो कल हम लोगों ने व्लॉग नहीं डाले थे, आप लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो गए कि व्लॉग क्यों नहीं आया। हम लोग डेली आपका व्लॉग देखते हैं, हमारा रूटीन सेट हो गया है व्लॉग देखने का, हमें सब पता है गाइस, बट क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हम आप लोगों को ऐसा कॉन्टेंट दे जो देखना आप लोगों को मजा नहीं है, आप लोग भी जबरदस्ती देखो खाली हमारे प्यार की वजह से। इसीलिए गाइस हम लोगों ने कल व्लॉग नहीं डाल पाए क्योंकि निदा की हालत नहीं थी व्लॉग बनाने की, और मैं भी नहीं चाहता कि मैं उसको ऐसे हालत में स्ट्रेस दूं। इसीलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, रेस्ट करते वगैरह सब कुछ करते आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हूं। और बट आज भी गाइस व्लॉग चालू करने में सोच रहा था क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा भागम दौड़ी, क्योंकि गाइस सुबह सुबह जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि घर में आटा नहीं है, घर में दूध नहीं है, घर में बहुत सारा सामान नहीं है। और गाइस ये सब सामान जो है वो हम लोगों को बाहर मिलता है, ऑनलाइन नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन वाला प्रीफर नहीं करते, ये सब आटा हो गया, दूध हो गया। इसीलिए थोड़ा सा आज भी प्रॉब्लम होने वाली है, चलो ठीक है आज व्लॉगिंग चालू करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि आज हमें कितनी तकलीफ होने वाली है जब हमारे पास कार नहीं है। ये सब तभी होना था जब हमारे पास कार नहीं है। और निदा, हाउ इज योर हेल्थ राइट नाउ? स्टिल द सेम, बट थोड़ा थोड़ा और हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है ना, चलो अल्लाह का शुक्र है। मुंह के ऊपर का सब चीज ठीक हो गया, बट जो पेट पे है अभी भी इन्फेक्शन, अभी तक वैसी की वैसी है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक औरत ही घर बनाती है, तो गाइस वो सही है, और मैं हमेशा से ही बोलता हूँ और आज भी आप लोगों को बोलूंगा, क्योंकि गाइस जो रूम की आज हालत है वो अगर निदा सही होती तो रूम की हालत ऐसी नहीं होती थी। मैं आप लोगों को रूम की हालत दिखाता हूँ क्या हो गई है। कोई भी कुछ भी सामान कहीं भी पड़ा है, चादर यहाँ पड़ी, तकिया यहाँ पड़ा है, वहाँ बाल पड़े या निदा पड़ी है। निदा कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बहुत आलसी बना आता है जब तबीयत खराब होती है, गुस्सा भी आता है कि कुछ काम नहीं कर सकते यार। नहीं, सही बात है। मतलब ये तो एक यूनिवर्सल, वो क्या बोलते हैं उसको, अंदरूनी फीलिंग है कि जब तबीयत खराब होती है तो इंसान को बहुत इरिटेटेड फील होता है, बहुत चिढ़ाती है इंसान को, कुछ भी कुछ ऐसा दिखते हैं ना कि अरे कुछ गलत हो रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऑटोमेटिकली इंसान को फील होता है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, फिर कुछ खाने का मन नहीं करता, या तो फिर कुछ ज्यादा ही खाने का मन करता है। मतलब आप लोगों के साथ में होता है जैसे, मुझे कॉमेंट करके बताओ। मैं जिस चीज की बात कर रहा था, मैं कुछ रेफरेंस से ही बात कर रहा था, मैं आप लोगों को दिखा, तो ये देखो ये कल रात में इसने यहाँ से पैनकेक मंगवा के खिलाई है, फिर कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखे इसने डोनट मंगवाई है, डोनट मंगाए हम लोगों ने, फिर रात में हम लोगों ने और भी कुछ मंगाए थे, फ्राइज मंगाए थे हम लोगों ने, वो भी खाया हम लोगों ने। मतलब निदा माशाल्लाह बीमार है, सॉरी बीमार है लेकिन माशाल्लाह खारी पीरी बराबर है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम नौशिया फील होता है, नौशीन फील होता है, नौशिया, मेरी बहन का नाम क्यों ले रहे हो, तुमको वॉमिट जैसा फील होता है, चक्कर आती है, तब ऐसा लगता है कि नहीं खाओ। अब क्या हो गया कि मैं बिस्तर पे पड़ी तो मैं टाइम पास के लिए करूँ क्या, तो खाओ। टाइम पास में मुंह चबा दे रहा हूँ, जुगाली करते रहो पकड़ो की तरह। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2-3 दिन में, जब अभी मैं तीसरा दिन है बीमारी का, मैंने 2 दिन में इतनी मूवीज और इतनी सीरीज खत्म कर चुकी ना जिसकी कोई हद नहीं है, वो भी मेरे बिना, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में सीरीज और मूवीज देखते हैं, इसने मेरे बिना सब देख ली मालूम, और मैं पीछे रह गया क्योंकि मैं गया था मिसबा के यहाँ पर मिसबा की हेल्प करने के लिए, क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह में, और ये घर पे अकेली थी। इसने पूरा नेटफ्लिक्स खाली कर दी गाइस, यार मेरे को समझ ही नहीं आया कि इसने इतना सारा देख के साली भगा भगा के। आप लोगों को पता है दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ढीले होते हैं, जो मतलब ना कोई चीज देखते कि हाँ ये चीज का काम करवाना है तो स्लो स्लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करवा लेते हैं, और एक होते हैं ढीठ लापरवाह जो कि हम है। हमको पता है कि हमारे घर में हमको बहुत सारा काम करवा, लेकिन हम लोग इतने ढीठ है, इतने आलसी है कि वो काम को करवाते ही नहीं, बोले छोड़ो वो यूज ही नहीं करते तो इसको जाने दो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या काम है। सबसे पहले तो ये देखो, ये बहुत ताकत लगती है, ये ना ये बंद ही नहीं होता, ये मतलब इंसान की गैस निकल जाए बट ये बंद नहीं होता, इतनी ताकत लग जाती है मतलब, एक तो इसमें ग्रिप भी नहीं है पकड़ के खींच ले, इसको ना उंगलियों से खींचना पड़ता है गैस, एक ये हो गया, और एक तो मैं आप लोगों को देखा तो जो कि बंद ही नहीं होता, इसको तो मतलब है ना उठा उठा के फेंकना पड़ता है। ये देखो बड़ा ही रिस्क लेके मैं इसको खोल रहा हूँ, अब ये बंद नहीं होगा गाइस, ये देखो अटक गया, आवाज भी आई, टूट गया, बाप रे बाप। देखे मतलब हमको पता है ये हमको तकलीफ दे रहा है 3 महीने से 4 महीने से, बट 3-4 महीने हो गए हम आलसी ढीठ कर ही नहीं पा रहे, तो आज जाके फाइनली मैंने फोन किया हूँ स्लाइडिंग वाले को, मैं बोला कि भाई आ जा प्लीज अल्लाह के वास्ते बारिश आने से पहले। कल को पता चला तेज बारिश आ रही है, खिड़की बंद नहीं हो रही है, पानी अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर 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 आया जा रहा है, और ये महा आलसी खाली रील देखते रहती है, मेरे को समझ नहीं आता है कि इसको इतना कैसे मजा आती है रील देखने में। आज मेरा तीसरा दिन है जब मैं रील देखती नहीं हूँ, फिर रील एडिट करती हूँ उसका, क्या कितने एडिट किए अभी
तक कुछ नहीं किया तो आज कुछ नहीं तक, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है इसके लिए, मैं थोड़ा आलसी बना कर रही हूँ और कुछ नहीं। सही बात है, सही। जब मैं बैक ऑन ट्रैक रहूंगी तो तुमको भी पता है कि काम कितना फटाफट हो जाता है। और हमारा तीसरी चीज ये, आप लोगों ने हर वीडियो में देखे रहोगे कि किसी न किसी के हाथ से ये निकलता ही, और ये अब तक हम लोगों ने नहीं बनाया, अब तो इसमें काम बढ़ भी गया। मैं आपको दिखा दूंगा और क्या काम बढ़ गया। ये देखो ये हाथ में ही आ गया, कभी कभी तो ये भी हाथ में आ जाता है, अभी निकल नहीं रहा है लेकिन आ जाता है। ये देखो गाइस, ये देखो ये यहाँ से भी निकल गया है, ये जो इसका हुक था ये निकल गया है, इसके दो स्क्रू यहाँ पे पड़े हैं। मतलब हम मुंबई वालों की ऐसी बुरी आदत है कि मतलब जो चीज चल रही है उसको चलाओ, उसको बनाओ मत। वो तो अच्छा है कि कल मिसबा का घर जब बन रहा था तब मिसबा के घर में नया ये लग रहा था, तो मेरे को दिमाग में याद आ रहा है हाँ मेरे को भी बनवाने का है ये, तो चलो उसको भी फोन मार दे। 3 महीने से मैं जब तुमको बोल रही थी ये सब घर का काम करो, तो मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ घर की, सिर्फ बता सकती हूँ करवाना तुम्हारे हाथ में होता है। तो क्या मैं करूँगा हाथ से वो? खाली फोन ही करना होता, फोन करके प्लम्बर को या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। तुमको बुलाना चाहिए था, तब तुमको बताया। तुम नहीं बुला, ये जबरदस्ती। हालांकि इसका जब काम रहेगा ना तो बराबर फोन बिल्डिंग के मैनेजर को फोन कर दी कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हमारे घर में ये नहीं आ रहा, तो बिल्डिंग के मैनेजर को तुम फोन कर ये नहीं पूछते भाई हमारे घर में प्लम्बर भेज दो, हमारे घर में विंडो वाला भेज दो? मुझे कैसे पता रहेगा? अच्छा अच्छा, देखे बेटा आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने आज सुबह में नाश्ता भी नहीं किया बराबर। हम लोग रोज नाश्ते में सुबह रोटी और अंडा खाते, बट आटा ही नहीं था तो हम लोग रोटी भी नहीं खा पाए, हम लोग दूध मुश्किल से काम चलाना पड़ा। तो अभी सोच रहा हूँ मैं जाऊँ जरा ऑटो में निकलूँ, थोड़ा आटा वगैरह लेके आऊँ, चावल वगैरह लेके आऊँ, और निदा को मैं सोच रहा हूँ ठंडक के लिए थोड़ा वाटरमेलन लेके आऊँ ताकि उसके पेट में थोड़ी ठंडक रहे, तो ये भी जल्दी ठीक हो जाए। आंखों का और होंठ का तो ठीक हो चुका है, तो चलो चलते हैं नीचे, आज ऑटो की राउंड मारते हैं। सो गाइज मैं नीचे उतरा आटा लेने के लिए, और मैं सोचा कि यार बाहर धूप में जाना पड़ा सामने दिख नहीं रहा था, मैं बोला पता नहीं लोग बाहर बैठ रहे हैं मेरे को छेड़ेंगे, मैं इग्नोर करके चले जाएंगे साइड में। तो गाइस मैं नीचे उतरा, देखा तो लोग नीचे ही खड़े थे क्योंकि मिसबा की शिफ्टिंग चालू है। इतने में निशान भाई बोले मैंने कार लाया, कार लाया बाइक लाया भाई, ओके मेरा भाई, देखिए यही मेरा भाई, उस दिन भी मेरे लिए बाइक लाया था और बिना बोले ये सब हुआ है गाइस कसम से। उस दिन बाइक भी खुद ही लाया था और कार भी खुद ही लाया है। कांग्रेस मतलब ये नहीं, ये लोग दोनों गाइस ऐसा नहीं है। कांग्रेस तुमने वो डोनट खिलाए थे वो पिलाए थे, आज भी कुछ ना कुछ खाया पीना। यहाँ से मैं रिक्शा में जा रहा हूँ, रिक्शे का पैसा दे रहा हूँ तुमको, रिक्शे में 50 में जाके आऊंगा। चलो गाइस फाइनली मिल गई गाड़ी अपने पे, चलो गाइस। वो बोलते ना किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे जुड़ाने की कोशिश में लग जाती है। मैं चाह रहा था एसी वाली गाड़ी मिल जाए। राइट 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 राइट, तो मिल गया गाइस, कसम से बता रहा हूँ सही में कुछ और मांग लिया होता ना मैं गाइस वो भी मिल गया होता मेरे को। मुझे पता नहीं क्या बच्चे भाई आज बकरे के साथ गाइस। सही में मैं ना सोच रहा था कि मैं मेन गेट से चले जाऊंगा बाहर, रिक्शा पकड़ लूंगा, तो मैं मिसबा को देखने के लिए आया कि मेरा मिसबा का सामान बराबर चढ़ रहा है कि नहीं। मैं पीछे आया, मैं पहले लोगों को देखा कि 3 लड़के खड़े, मेरे को लगा पता नहीं बिल्डिंग लड़के चश्मे में मेरे को दिख नहीं रहा था बराबर, तो फिर मैं आ गया, मेरे को आवाज दे रहे भाई, मैं बोला ये कौन आवाज दे रहा है, फिर चश्मा उठाकर देखा मतलब अच्छा ये लोग है, फिर पूछा भाई गाड़ी लाया गया, बोला हां लाया, बोला एक नंबर, चलो जाएंगे आटा लेने के लिए गाड़ी में। तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं आटे की दुकान पे यहाँ पर से। तो गाइस हम लोग आटा क्यों चक्की से लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एकदम रॉ पिसा हुआ मिलता है, इसीलिए हम लोग को खाने में अच्छा लगता है। जो ऑनलाइन मंगाते हैं ना हम लोग ब्रांड वाला, उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स रहते हैं तो वो गाइस खाने में थोड़ी कड़क हो जाती है। आ गया अपना आटा गाइस, मेरा तो मन करता है कि मैं एक साथ 20-25 किलो आटा ले लूं, लेकिन गाइस घर पे इतना आटा रखेंगे भी किधर, ज्यादा रखने से कभी खराब हो गया तो वो भी वेस्ट जाएगा, इसीलिए हम लोग 5-5 किलो करके लेते हैं ताकि खाए भी जाए और वेस्ट भी ना हो। चलो गाड़ी में डाल देंगे इसको अभी भाई, आटा तो ले लिए, अभी अपना लेना है कलिंगर क्योंकि निदा की पेट की ठंडक के लिए। और मैं सुना हूं कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है कलिंगर वलिंगर की, आज देख लेते तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर लेते। चलो तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कलिंगर खरीदने के लिए, लेट्स सी देखते तुम्हारी नॉलेज कितनी काम आती है आज। भाई कलिंगर बताओ कोई अच्छा मीठा वाला। अच्छा ही निकाल के दिखे थे, देखो ईशान भाई। हाँ नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है। जो उसमें खोखली ऐसी आवाज आती है ना, हाँ वो कलिंगर ले, तो इसमें आ रही खोखली ऐसी, पक्का घर जाके अगर खराब निकला ईशान भाई तुम्हारे को खिलाऊंगा ठूस ठूस के, याद रखना। हेलो हेलो, आवाज सुना देखो, नेटवर्क आ रहा है, दे दो भाई इसके भरोसे दे दो ये वाला, अच्छा है देखो तुम देखो खा के देख लो तुम्हारे भाई ने टेस्ट किया भाई, अच्छा रहेगा। अगर कलिंगर चीरेगा कॉन्टेक्ट ईशान। जो गाइस मैं सुना खरबूजा भी है जो पेट की ठंडक के लिए अच्छा है, तो खरबूजा भी ले ही लेते, और चेक करो जरा इसका नेटवर्क है कि नहीं, रोमांस कर रहा है उसके साथ में। इसको भी काट के चेक करते हैं क्या हुआ, अच्छा है कलर नहीं पता है। गाइस मिसबा का सामान भी पूरा आ चुका है, देख लो कितना सामान है मिसबा का, तीसरी ट्रक लग रही मेरे को तो, ये चौथी ट्रक है, अरे बाप रे बाप। तुम लोग ने मेरी सामान लाने में हेल्प की, तुम लोगों को मैंने मेरी पार्किंग दी है, जाओ।
ये देखो भाई, इसका घर नीचे शिफ्टिंग हो रहा है और यहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ा रही है। पानी भी नहीं पानी वाला तुमको बोल रहा हूँ, मैं बोल दूँ पानी वाला आया बिल्डिंग में। तो गाइस हम लोग के घर पे ऑलरेडी पानी आता था पहले बिस्लेरी वाला, और मैंने उसको 150 रुपए डिपोजिट दे के रखा हूँ, तो अभी वही डिपोजिट मिसबा के लिए काम आ जाएगा। मैं मिसबा के घर पे पानी भिजवा दूंगा तो उसका भी फायदा हो जाएगा, और मैं तो वैसे भी 150 रुपए दे के रखा, एक दोस्त दोस्त के काम नहीं हो तो किसके काम आएगा। निदा मैं इतना गर्म में रिक्शा में गया हूँ आटा लेने के लिए, मेरी हालत खराब हो गई मालूम तुम्हारे को, कैसा कैसा करके मैं आटा लाया, तुम्हारे फ्रूट भी लाया, उनको बोल दो तुमको फ्रूट काट के खिला देवे, वो ठंडक के लिए खरबूजा भी लाया और मैंने कलिंगर भी लाया हूँ, और रात में तुम्हारे लिए फिर मैं वो कलिंगर का शेक भी बना दूंगा पानी वाला। इतना सब मेले कर रहे हो? हाँ, एकदम तुम अंधे दिख रहे हो निदा, तुम जब बीमार होते तो मैं भी करती हूँ। यस, सो गाइस बहुत वाइफ का फर्ज ही होता है। सो गाइस बहुत मेहनत लगी मुझे रिक्शा में गाइस, आज पता चला मुझे कि कार नहीं हो इंसान के पास नवी मुंबई में तो इंसान की हालत कितनी बुरी होती है गाइस। मेरे चेहरे पे आप लोग देख सकते हो कितनी थकान है निदा, बहुत गर्म है, काला काला हो गया एकदम यार, देखो मेरी शक्ल कितना काला हो गया। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एसी चालू करके रखी थी कि तुम जैसे ही आओगे तुम्हारा एसी चालू, थोड़ा सर दबा, एक मिनट, ये तरफ मुझे एलर्जी है, सॉरी, थोड़ा सर दबा दो निदा, चश्मा उतारो दिखेगा नहीं, सर की जगह नाक दबाओगे। नहीं नहीं, पोलोराइड है, काला चश्मा थोड़ा, अबे मेरे को दिख नहीं रहा था सच्ची में चश्मे से। So guys, आप लोगों ने देखे कितनी तकलीफ होती है नवी मुंबई में अगर बाइक या कार ना हो तो, और ऊपर से पहाड़ी इलाका है, गरम तो बहुत है, गरम होता है। सो गाइस विंडो वाला भी आके किया, उसने बोला कि तुम्हारी विंडो की 6 बैरिंग चेंज करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा हमें पड़ने वाला है 1200 रुपए दो विंडो का, पता नहीं क्या हिसाब से उसने खर्चा बोला क्या नहीं, अभी देखते है, काम तो आज नहीं हो पाया। तो गाइस मिसबा का जो पानी का बाटला मैंने लाके रखा था वो भी बाटला यहाँ पर आके पड़ा है, मैं सोच रहा था कि लोगों को देख के आता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं विंडो वाले का वेट कर करके, उन लोगों को प्यासे रहेंगे नीचे, तो चलो मैं जाके देख के आता हूँ बाटला। सो गाइस फाइनली मैं मिसबा के घर पे आ चुका हूँ, मिसबा का काम सुबह से चल ही रहा है, मैं ऊपर नीचे कर ही रहा था, और अभी तक मिसबा का सिर्फ बेड लगा है और एसी लगा है और बाहर का थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी सब पूरा पसारा पड़ा हुआ। मिसबा का पारा गाइस गर्म होते ही जा रहा है, गुस्सा होते ही जा रही है, क्योंकि उसका काम बेचारे का कोई ठीक पे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कारीगर लोग लेट आ रहे, जल्दी आ रहे, लेट आ रहे, तो थोड़ा मचमच चल रही है। देखो पूरा सामान पूरा बाहर भी देखो, और हम लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए हम लोगों के लिए बर्गर वगैरह मंगा लिए, और निदा ऊपर है, निदा को निदा नीचे नहीं है क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए भी मैं लेके जाऊंगा बैरी कूलर ऊपर, सिर्फ उसी के लिए मंगाई क्योंकि गर्म खा नहीं पा रही। इस बार गुस्सा शांत हुआ तुम्हारा? कुछ काम ही नहीं हुआ यार, कैसे होगा शांत, तुम बताओ। सही बात है, नहीं सही बात है, एक लड़की के ऊपर पूरा बर्डन आ गया, हम लोग समझ सकते हैं, अपन खाने का काम करेंगे लेकिन। सो गाइज मैं निदा के लिए बैरी कूलर लेके आ चुका हूँ, नीचे सबने ऑर्डर किए थे, मैं तुम्हारा मंगवा दिया अलग से। थैंक यू, लो चलो पियो। सो गाइज फिर से मैं मिसबा के घर पे आ चुका हूँ, मैं सुबह से यही कर रहा हूँ, आधा घंटा मिसबा के घर पे, आधा घंटा ऊपर, आधा घंटा नीचे, आधा घंटा ऊपर, जिंदगी यही होगी भाई, ऐसा लग रहा है। देखो कितना पसारा पड़ा है, देखो ना अभी से यही होने वाला डेली मेरा, तो ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, तुम्हारा कार्डियो हाँ ना, मेरा कार्डियो नहीं, चल के थोड़ी जा रहा हूँ। सो गाइस फाइनली मिसबा थोड़ा बहुत सेट हो चुका है, हम लोगों ने देख देख के खाली हंसे यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी हेल्प की हम लोगों ने, चलो मिसबा बाय, ध्यान रखो, कुछ मदद लगी तो ऊपर आ जाओ, वी आर अपस्टेयर्स ओनली, चलो बाय। सो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करते हैं, मैं घर पे आ चुका हूँ, और आज गाइस बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई ऊपर नीचे करने में, इसीलिए ज्यादा ब्लॉग बन भी नहीं पाया गाइस, चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़।